तो दोस्तों, अगर हमारे पास कोई रीनल स्टोन का यूटीआई का पेशेंट आया है और अगर हम उससे ये सिम्टम्स पूछ रहे हैं या फिर वो ये सिम्टम्स बता भी रहा है कि उसको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, पेन होता है यूरिन करते वक्त, या फिर उसके हिमचूरिया प्रेजेंट है, ब्लड इन द यूरिन है, फीवर है, पायूरिया है, वॉमिटिंग है, स्वेटिंग है, पेन है लंबर रीजन में, तो ये सिम्टम्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बुक उठा के देखेंगे तो उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है दीज आर द कॉमन सिम्टम्स, और आपको ये पता होना चाहिए होम्योपैथी में कॉमन सिम्टम्स आर यूज फॉर द डायग्नोसिस बट नॉट फॉर द ट्रीटमेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट होगा होम्योपैथिक मेडिसिन से और होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्शन इज बेसिस ऑन द कीनोट सिम्टम्स दैट आर द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। तो कीनोट सिम्टम्स हर दवाई के अलग अलग होते हैं, तो अगर वो यूटीआई से सफर कर रहा है, रीनल स्टोन से सफर कर रहा है, तो ये सिम्टम्स तो कॉमन सिम्टम्स हैं, लेकिन अगर हम दवाई में देखें तो दवाई के सिम्टम्स जो हैं वो बिल्कुल इनसे अलग हैं। ये सिम्टम्स तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, लेकिन दवाई में कुछ ऐसे सिम्टम होंगे जो वो मरीज के स्पेसिफिक सिम्टम हैं और उसी सिम्टम की वजह से उस दवाई का नाम ये रखा गया है। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ, काफी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ कि सारसापेरिल्ला अगर है तो वो ये दवाई में ऐसे क्या सिम्टम है, इन सब सिम्टम्स से हटके, फीवर से, पायूरिया से, हिमचूरिया से, वॉमिटिंग से, स्वेटिंग से, पेन इन द लंबर से हटके क्या सिम्टम है, क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि सारसापेरिल्ला उसका नाम रखा गया है, लाइकोपोडियम किसी दवाई का नाम रखा गया है, इक्विसीटम रखा गया है, कैनाबिस सटाइवा रखा गया है या फिर बर्बेरिस रखा गया है, क्योंकि कॉमन सिम्टम्स पे प्रिस्क्राइबिंग नहीं होती है। कॉमन सिम्टम्स आर द सिम्टम्स दैट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज बट नॉट फॉर द ट्रीटमेंट इन द होम्योपैथी। उसके लिए आपको स्पेसिफिक सिम्टम्स जो हैं, कीनोट सिम्टम्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, ये पता होने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करने वाली हूँ। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम्योपैथी एंड हियर समृद्धि शर्मा इज हियर टू गाइड यू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले इस वीडियो में आपसे जो कॉमन सिम्टम्स हैं, आप देखिए अगर यूटीआई है या फिर रीनल स्टोन है तो ये सिम्टम्स तो मरीज में प्रेजेंट ही होंगे, तो वो सिम्टम्स मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। सबसे पहली चीज, अगर किसी को यूटीआई, रीनल स्टोन या रीनल कोलिक या कोई भी तकलीफ है तो सबसे पहले अफेक्ट होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। मरीज ये बोलेगा कि अब वो बार बार यूरिन जाता है। दूसरी चीज होती है डिसयूरिया, यानी कि पेनफुल यूरिनेशन, यूरिन करते वक्त दर्द भी होगा मरीज को। तो ये जो दो सिम्टम्स हैं ये कॉमन ही सिम्टम्स हैं। तीसरा सिम्टम होता है ब्लड इन यूरिन, क्योंकि अगर रीनल स्टोन है तो कहीं ना कहीं वो जो लाइनिंग है उसे इरिटेट करेगा और यूरिन में ब्लड भी प्रेजेंट होगा, तो हीमेचूरिया भी मरीज को होगा। साथ ही साथ आप देखो इसके साथ पायूरिया भी होगा, फीवर भी होगा और बर्निंग पेन भी होगा ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, यानी कि मरीज जब यूरिन पास करेगा तो बर्निंग पेन भी मरीज को होगा। और अगर आप उससे ये पूछते हो कि अगर ऑफेंसिवनेस है कि नहीं है, तो ऑफेंसिवनेस भी प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ पेलर, स्वेटिंग, वॉमिटिंग, ये जो सिम्टम्स हैं ये कॉमन सिम्टम्स हैं, सारे के सारे कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर किसी को यूटीआई भी है या फिर रीनल स्टोन भी है तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं। दीज सिम्टम्स शुड नॉट बी आस्क्ड टू द पेशेंट, अगर वो बता भी रहा है तो यू शुड कंसिडर देम एज अ कॉमन सिम्टम्स। अब जैसे मैं आपसे इस वीडियो में सारसापेरिल्ला को डिस्कस करने वाली हूँ, सारसापेरिल्ला के बारे में बताने वाली हूँ कि वो सारसापेरिल्ला क्यों बनी, तो सारसापेरिल्ला बनने के पीछे ये कहानी है कि सबसे पहले तो वो राइट साइडेड मेडिसिन है, ठीक है। तो राइट साइडेड मेडिसिन से ये नहीं हो जाता, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां हैं जो राइट साइडेड हैं, बट ऐसा क्या सिम्टम है जो हमें ध्यान रखना है इस दवाई का। तो एक तो वो राइट साइडेड मेडिसिन है, दूसरी चीज जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है सीवियर पेन एट द कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन, यानी कि जब मरीज यूरिन कर चुकेगा तब उसको बहुत ज्यादा दर्द होगा। जैसा कि हम देखें इक्विसीटम में भी ऐसा का ऐसा पेन होता है, लेकिन इक्विसीटम में
और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो सारसापेरिला में नहीं है, इसीलिए वो इक्विसीटम बनी और ये सारसापेरिला बन गई, ठीक है, वरना दोनों का एक ही नाम रख देते अगर ऐसा नहीं होता तो। सारसापेरिला में एट द कंक्लूजन ऑफ मिक्चुरेशन सीवियर पेन है, साथ ही साथ क्या है, देयर इज व्हाइट सैंड इन द यूरिन। व्हाइट सैंड का मतलब ये नहीं है कि सैंड है कोई, व्हाइट सैंड का मतलब ये है कि जब पेशेंट यूरिन कर चुकता है उसके बाद कई मरीज ऐसे बताते हैं कि वो जगह जो है जहां पे मैंने यूरिन किया है वो सफेद सफेद हो जाती है, तो वो है व्हाइट सैंड इन यूरिन, यानी कि व्हाइट सैंड इन यूरिन मिलेगा। और एक हमें मिक्चुरेशन का पता चल गया, सीवियर पेन एट द कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन, राइट साइडेड मेडिसिन है, राइट साइडेड पेन होगा। अब क्या है, देयर इज अ ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन वाइल सिटिंग, यानी कि यूरिन जो है वो ड्रिबल भी करेगी, बैठे जब मरीज बैठा हुआ होगा तो ड्रिबलिंग करेगी। और इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि पासिस मोर फ्रीली वैन स्टैंडिंग, अगर मरीज खड़ा हुआ है तो वो आराम से यूरिन कर लेगा, लेकिन अगर बैठ के करेगा तो उसको थोड़ी थोड़ी सी यूरिन पास होगी। ये है ड्रिबल्स वाइल सिटिंग, ठीक है। और क्या होता है कि इसमें क्या होता है, यूरिन करने के बाद बहुत दर्द है क्योंकि ब्लैडर का टेनेस्मस हो जाता है, देयर इज अ टेनेस्मस ऑफ द ब्लैडर कॉजिंग द पेन एट द मीटर्स। जो मरीज ऐसे बोलते हैं कि लास्ट ड्रॉप पास हुई और इतना भयंकर दर्द हुआ, तो उन मरीज में ब्लैडर का टेनेस्मस प्रेजेंट है और उन इसी वजह से उनको दर्द हो रहा है। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये सारसापेरिला के बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नो होमोपैथी।